हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एस स्मार्ट द लर्निंग पॉइंट्स। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बाबर के लड़े गए युद्ध के बहुत महत्वपूर्ण टिप्स बताएंगे, जिसे आप बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। हो सकता है आप लोग इसे पहले भी सुने हैं। देखिए, बाबर के प्रमुख जंग हैं 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। यानी टोटल मिलाकर 5 साल, 5 साल में सारे युद्ध लड़ करके मर गया, और ऐसे शासक को बाबर कहते हैं। आइए इसको थोड़ा जानते हैं। दरअसल 26, 27, 28, 29, 30 जो है, ये सब 1526 की बात हो रही है। 1500 के ईस्वी में ये सब बात हुआ है। देखिए, 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजयी रहा। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ बाबर और रणासंगा के बीच में, इसमें बाबर विजयी रहा। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ बाबर और मेदिनी राय के बीच में, जिसमें बाबर विजयी रहा। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ बाबर और इसमें भी बाबर विजयी रहा, और 1530 में बाबर मर गया। तो इससे नहीं मतलब करता है कौन कितना लंबा जिया। ये देखिए, ये मुग़ल साम्राज्य के नींव डाल कर गया, और इसके बाद मुग़ल सल्तनत बहुत वर्षों तक हिंदुस्तान में कायम रही। तो ये होती है बात कि जो शासक होते हैं, महान शासक, कुछ दिनों में अपनी छाप छोड़कर जाते हैं और एक ऐसी नींव बना कर जाते हैं जिस पर उनके आने वाली पीढ़ियाँ गर्व कर सकें और अपना राज्य कायम कर सकें। तो नींव बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और ऐसे ही जो है कि आप ज्ञानवर्धक जानकारी पाते रहेंगे। तो थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।